हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो गाइस, चैप्टर नंबर 2, अम्ल क्षार एवं लवण, कक्षा 10 विज्ञान, ऑल कंपटीशन एग्जाम, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया 29 स्टेट्स बोर्ड एग्जाम के लिए। यानी कि देखिए, अम्ल क्षार एवं लवण आप हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, टॉपिक्स एक ही होगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, आगे के देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के। तो 12 क्वेश्चन देखते हैं गाइज आगे का। आमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच स्तर 7 से कम होता है या अधिक, क्यों? तो देखिए गाइज, आमाशय में उत्पन्न रसों का पीएच स्तर 7 से कम होता है क्योंकि आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए गाइज, क्वेश्चन आपको कहीं भी पुटअप किया जा सकता है, किसी भी रूप में आपको मिल सकता है। आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ये डीप क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको छांटना पड़ेगा, और आप शॉर्ट नोट्स भी अपने बना सकते हैं। यानी कि आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं। दंत लवक क्या है? यानी कि दंत लवक क्या है? दंत लवक शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो दंत लवक क्या होता है? यानी कि दंत लवक शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। जो दांत होते हैं हमारे, क्वेश्चन आ सकता है गाइज, दांत किस चीज़ के बने होते हैं? तो कैल्शियम फॉस्फेट। तो दंत लवक शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, यह कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंह में पीएच, मुंह का जो पीएच मान स्तर है 5 से कम 5.5 से कम किस प्रकार हो जाता है? खाना खाने के पश्चात मुंह में खाने के कण शर्करा शेष रह जाते हैं जिनके बैक्टीरिया द्वारा अपघटन से उत्पन्न अम्ल मुंह में पीएच का स्तर 5.5 से कम कर देते हैं। तो इसलिए हमें खाना खाने के बाद जो है, अक्सर कुल्ला, और रात को खाना खाने के बाद, मीठा खाने के बाद कुल्ला करके सोना चाहिए, जो हमारे बैक्टीरिया और दांत का क्षय नहीं होने देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। दांतों का हमें विशेष ध्यान रखना है, और देखिए, ये खाना खाने के बाद हमें जो है, अक्सर दांतों की सफाई करके सोना चाहिए। जो हम सुबह को ब्रश करते हैं, और तो सुबह के टाइम ब्रश ना करके आप रात को खाना खाने के बाद ब्रश करके सोइएगा, तो देखिए दांत भी सही रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आप भी स्वस्थ रहेंगे, और कभी दांतों में बैक्टीरिया नहीं लगेगा, और दांतों के जो क्षय है वो कभी भी नहीं होगा, और दांत हमेशा सही रहेंगे। दांत सही हैं तो पूरा शरीर सही है, क्योंकि खाने का काम दांत ही करते हैं। ठीक है, अच्छा खाएंगे, अच्छा चबाएंगे, तो हमारा शरीर भी हष्टपुष्ट होगा। ठीक है गाइज, तो आपको ध्यान रखना है। और दातुन में जो है, सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट, अगर आपको और भी लॉन्ग लाइफ, पूरे जीवन दांत अच्छे रखने हैं, तो देखिए नीम का दातुन, या बबूल कीकर का दातुन, या आप जो है चिरचिटे का दातुन, एक चिरचिट आता है उसका दातुन यूज कर सकते हैं, जो दांतों के पायरिया और अन्य बीमारियों को दूर करता है। ठीक है गाइज, तो विशेषकर इन दातुनों से करिएगा, प्लास्टिक के ब्रश को बाय बाय करिए, वो जो है सब हानिकारक होते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। ब्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है? तो ब्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध क्यों आती है? ब्रंजक चूर्ण में सदैव क्लोरीन की गंध इसलिए आती है क्योंकि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। यानी कि वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसे धीरे धीरे अपघटित करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करती है। अब आगे देखते हैं।
बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें टार्टरिक अम्ल क्यों मिलाया जाता है? तो बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल मिलाने पर यह इसमें उपस्थित सोडियम कार्बोनेट को उदासीन कर देता है, यानी कि जो उपस्थित होता है बेकिंग पाउडर में सोडियम कार्बोनेट उसको उदासीन कर देता है। यदि बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल न हो तो इसे भोज्य पदार्थों में प्रयुक्त करने पर ये पदार्थ सोडियम कार्बोनेट के उपस्थिति होने के कारण कड़वे लगने लगते हैं। तो देखिए गाइस, सोडियम कार्बोनेट के उपस्थित होने के कारण कड़वे लगने लगते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। बेकिंग सोडे के दो महत्वपूर्ण गुण लिखिए। तो बेकिंग सोडे के दो महत्वपूर्ण गुण निम्न प्रकार हैं, देखिएगा। तो बेकिंग सोडे के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर एक गुण देखिए, बेकिंग सोडा एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है, यानी कि बेकिंग सोडा एक सफ़ेद ठोस पदार्थ है तथा वायु में स्थायी होता है। बेकिंग सोडा जल में अल्प विलय होता है, और बेकिंग सोडा जल में अल्प विलय होता है तथा इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, और इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है गाइस, गंदे जल को स्वच्छ करने में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? इसका अणुसूत्र लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, यानी कि गंदे जल को स्वच्छ करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आंसर में देखते हैं। तो गंदे जल को स्वच्छ करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है। तो रासायनिक सूत्र है आपका CaCO Cl2, CaO Cl2। तो इसका नाम हम ब्लीचिंग पाउडर या CaO Cl2 है। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। एवर ग्रीन रहेगा, सदाबहार रहेगा, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ISPCS कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूने का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया बोर्ड एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्जाम, ऑल बोर्ड, ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम, ऑल एंट्रेंस एग्जाम, ISPCS कोई भी एग्जाम हो, रेलवे SSC हो, यह आपका टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चूने का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। तो चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा अणुसूत्र है CaO। तो चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। चूने के पानी के साथ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को उबालने से प्राप्त अपेक्षेप का सूत्र लिखिए। तो देखिए, चूने के पानी के साथ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को उबालने से प्राप्त अपेक्षेप का सूत्र लिखिए। तो यह अपेक्षेप का सूत्र है CaCO3। वह MgCO का होगा। तो क्या फॉर्मूला होगा? CaCO3 प्लस MgCO। चूने के पत्थर से बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं? अब चूने के पत्थर से बुझा हुआ चूना कैसे बनाते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिएगा। तो देखिए, चूने के पत्थर से
भुजाव से चूना कैसे बनता है, तो देखिए रासायनिक समीकरण है, वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है 10th क्लास बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। CaO प्लस H2O जल मिलाया CaOH 2 बुझा हुआ चूना, ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है और ये अनबुझा चूना। एक क्रिस्टलीय पदार्थ हवा में रखने पर क्रिस्टल का जल के अणु छोड़कर अपारदर्शी चूर्ण में बदल जाते हैं। इस पाउडर का धोने में उपयोग होता है। इस क्रिस्टलीय पदार्थ का नाम व सूत्र बताइए, तो धावन सोडा। इसका सूत्र क्या है? धावन सोडा। तो देखिए राइट आंसर में देखते हैं, धावन सोडा इसका रासायनिक सूत्र है धावन सोडा या सोडियम बाई डेका हाइड्रेट। सोडियम बाई कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट या डेकाहाइड्रेट। तो देखिए फॉर्मूला है Na2CO3 Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक फॉर्मूला है, बहुत ध्यान रखने योग्य है, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O। तो गाइज ये चैप्टर नंबर 2 के यानी कि 10th क्लास के कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए इससे पहले और सम ये हैं। नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलेंगे। तो गाइज प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, घंटी ज़रूर बजाएं ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी नोटिफिकेशन मिले। और गाइज कोई भी कमी हो तो मुझे बताइए, थोड़ा सा मुझे समय मिलेगा मैं आपकी कमी भरपूर प्रयास करूँगा, ठीक है गाइज, क्योंकि ड्यूटी भी करनी होती है 12 घंटे की, और 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में बच्चों से मिलने के बाद में समय मैं आपको भी अवेलेबल कराता हूँ, ठीक है गाइज। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की सोचूँगा गाइज, आप चाहें मैं चाहूँ आप जो है आपको सबको जीवन में सबसे अच्छी कामयाबी मिले, ठीक है गाइज। तो जो है कोई भी कमी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स ज़रूर करिएगा, मैं आपके कमेंटों का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है गाइज। तो जय हिंद जय भारत।